आंखों की रोशनी अगर कम पड़ गई है या फिर चश्मा लगा हुआ है, हमें क्या लेना चाहिए? हमारे बड़े बुजुर्ग क्या लिया करते थे वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों से हमारा चश्मा जो है नंबर घट जाता है। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि आपने एक बार लिया और चश्मा उतर जाएगा, ऐसे नहीं होता है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग धीरे धीरे हमें खाने को दिया करते थे, वैसे आज मैं बताऊंगी। जैसे नंबर धीरे धीरे हमारा चश्मा में बढ़ जाता है या फिर चश्मा हमारा लग जाता है, तो वो धीरे धीरे पेट की वजह से ही लगता है। इसी से ही वैसे धीरे धीरे ये चश्मा उतर जाएगा जो आज मैं आपको नुस्खा बताऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, ये मेरा नुस्खा नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग दादी नानियों का नुस्खा है, जो सभी ये घर में अपनाया करते थे और सभी को वो दिया करते थे। ज़्यादातर बचपन से ही ये शुरुआत कर दिया करते थे। किन दिनों में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चश्मा अगर लग गया है उसे उतारना बहुत मुश्किल होता है। आपने कई तरह की प्रोटीन विटामिन ले लेके देख लिए हैं, एक बार आप ये नुस्खा करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहले तो क्या है, बड़े बुजुर्ग को ही चश्मा लगता था, आजकल छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है। कारण मोबाइल भी बताते हैं, टीवी भी बताते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि खान पान भी हमारा सही नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर पैकेट वाली चीज़ खाते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आज जो मैं पाउडर लेकर के आई हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैं कह नहीं रही हूँ, जो भी मैं आपको चीज़ें बताती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और आप लोग बताते भी हैं, इसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद। आज मैं जो नुस्खा लेकर के आई हूँ इसे भी आप ज़रूर अपनाइएगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये जो नुस्खा है इसे रात के टाइम पे लेना होता है, दिन में कैसे लेना होता है वो भी मैं अलग से आपको बताऊंगी। जो रात का है वो मैं पहले बता देती हूँ रात को कैसे लेते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो है ना रात को ही ज़्यादातर दिया करते थे। आपने सुना होगा जो बच्चे तोतले बोलते हैं, जैसे बोल नहीं पाते हैं, क्लियर नहीं बोल पाते हैं, उनको हमारी दादी सोते टाइम पे एक बादाम दे दिया करती थी कि इसको चबा लो और इससे आपकी जो है जबान धीरे धीरे साफ हो जाएगी। अब हम ले रहे हैं सौंफ। सौंफ आपको पता है रसोई में, हर रसोई में ये होती है, नहीं है तो आप ले लीजिएगा, बारीक हो मोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे सौंफ को आप अच्छे से इसे बीन लें, यानी कि इसमें जैसे छोटे छोटे से वो धागे वगैरह होते हैं, डंठल वगैरह होते हैं, वो सारे अलग कर लें, इसे ले आएं। लेकिन ध्यान रखिएगा ग्रीन वाली सौंफ आती है वो ही लेनी है, इसमें कई बार कलर फेड हो जाता है, पुराने होती है, वो नहीं लेनी है, ठीक है? इतना आपने ध्यान रखना है, सौंफ आप ले लें। सौंफ हमारे पेट को ज़बरदस्त तरीके से बढ़िया अच्छा करती है, क्योंकि पेट की वजह से ही जो है हमारी बीमारी आँखों तक पहुँचती है। ये है मिश्री, धागे वाली मिश्री, आपको पता है यही आपको लेनी है, कोई दूसरी नहीं लेनी है। अगर कुंजा मिश्री मिल जाए तो बहुत अच्छी है। धागे वाली मिश्री, इस तरह धागा होता है, इसे धागे वाली मिश्री कहते हैं, देख रहे हैं बीच में धागा है ना, इसे धागे वाली मिश्री कहते हैं। और ये आपको पंसारी की दुकान पे बिल्कुल आराम से मिल जाएगी, जहाँ पे मसाले वगैरह मिलते हैं। कटिंग वाली मिश्री ना बाबा ना, उसे नहीं लेना है, वो चीनी ही होती है, चीनी नहीं लेनी है, मिश्री ही लेनी है अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो। ये कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, ये मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है बाद में। ये है बादाम। अब बादाम की गिरी कैसी लेनी है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये आती है गुलगंदी बादाम आते हैं, जो गुलबंदी बादाम होते हैं वो छोटे वाले होते हैं, और उसके अंदर ना एक बड़े वाले भी आते हैं, बड़े वाले के अंदर तेल नहीं होता है, छोटे वाले के अंदर भरपूर तेल होता है, इसमें तेल निकाला हुआ नहीं होता है। और आपको पता है जो छोटे बादाम होते हैं वो आँखों के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। यही बादाम खाने चाहिए। आप कभी भी बादाम लेकर के आएँ तो छोटे बादाम लेकर के आएँ, जो बिल्कुल छोटे आकार के होते हैं ना, ऐसे अभी ये कैमरे में आपको बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, वैसे छोटे छोटे से बादाम होते हैं, ठीक है? ये ले ले, आपको पता है बादाम में विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है, आँखों के साथ साथ आँखों की जो रोशनी है वो विटामिन ए से ही कमी होती है, तो ये इसकी पूर्ति करता है, ठीक है? हम बादाम ले लेंगे, ध्यान रखिएगा छोटा बादाम ही लेना है, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप बड़ा बादाम भी ले सकते हैं। अब ये है मिर्च। देखिए ये मैंने काली मिर्च ली है, यहाँ पर आपको दखनी मिर्च लेनी है, सफ़ेद वाली ऐसी ही मिर्ची आती है, ये कलर इसका ब्लैक है, वो सफ़ेद मिर्ची होती है, जो कि वो लगती नहीं है मुँह में खाने पर और वो फ़ायदा देती है, वो सिर्फ आँखों के लिए ही बहुत बढ़िया होती है, जिसे कहते हैं दखनी मिर्च, यानी कि वाइट वाली मिर्च, ठीक है? ब्लैक वाली नहीं लीजिएगा, काली वाली जो होती है वो नहीं लेनी है हमें, सफ़ेद वाली नहीं लेनी। कितनी है? सिर्फ इतनी, ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेनी है।
इतनी ही मात्रा में लेनी, यानी कि एक चम्मच के करीब आप ले लें, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। चीज़ों की मात्रा का आप ध्यान रखें, कितनी मात्रा कोई लेनी है, ज़्यादा लेते हैं तो फिर दिक्कत करती है। अब ये चारों चीज़ हमने ले ली, तीनों चीज़ आपको बराबर मात्रा में लेनी है, सौंफ, मिश्री, बादाम बराबर मात्रा में लेनी है। ये जो हमारी मिर्ची होगी, दखनी मिर्च यानी कि सफ़ेद मिर्च, वो सिर्फ जो चाय हम खाते हैं चावल, वो एक चम्मच आपको लेनी है। मात्रा का आपको पता लग गया। इन चारों को लेकर के आपको मिक्सी के जार में रोक रोक के पीसना है। मिश्री को आप कूट लें और पीसने के बाद हम देखें इस तरह से इसको हम पाउडर बना करके ले लेंगे। ये पाउडर तैयार हो गया है। अब इस पाउडर को कैसा लेना है, गर्मी हो तो इस पाउडर को ऐसे नहीं लेना है, जैसे ज़्यादा गर्मी आती है ना, जून जुलाई की जो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे ये नहीं लेना है ऐसे गर्म गर्म के पाउडर। और जब थोड़ी सर्दी हो, बारिश का मौसम हो, नॉर्मल गर्मी हो, तो आप इसे ले सकते हैं। इसे लेने के क्या तरीका है, दूध के साथ आप इसे लें, गर्म दूध के साथ आप इसे रात को जब आप खाना खा लें, खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद इसे लेना है। ये नहीं कि आपने खाना खाया तुरंत 1 घंटा बाद ले लिया, कोई आपने खट्टी चीज़ ना ली हो इसलिए 2 घंटा बताया गया है कि 2 घंटे बाद आप इसे लें। और अगर आपने कोई दाल वगैरह सिंपल सी चीज़ खाई हो फिर तो आप 1-1.5 घंटा बाद ले सकते हैं, नहीं तो आप ध्यान रखें कि 2 घंटा खाना खाने के बाद इसे लेना है। गुनगुना दूध के साथ आप इसे लेना है, गुनगुना दूध आप ले लें और लेने के बाद इसे 1 चम्मच पहले आप ये ले लें, 1 चम्मच ले सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा कम हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें सामान हमने जो डाला है वो अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। छोटा बच्चा है, नहीं पी सकता है दूध में, आप एक बार इस दूध के अंदर भी थोड़े से दूध के अंदर कटोरे में लेकर के घोल लें और उसे पिला दें, ऊपर से ये दूध पिला सकते हैं, ऐसे आप कर लें। बच्चों को थोड़ी थोड़ी मात्रा दे दें, 0.5 चम्मच के करीब दे दें, बड़ा है यंग है 1 चम्मच दे दें, बड़े बुजुर्ग को भी आप 1 चम्मच दे सकते हैं, इसमें कोई हानि वाली बात नहीं है। अब इसमें देखिए सौंफ है, बादाम है, मिश्री है, ये जो चीज़ें जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मिर्ची है, ये गर्मी और ठंडा और गर्म मिक्स करके बनाया हुआ है सामान, तो ये हमारी बॉडी में जो अनबैलेंस होता है ना, ठंडा और गर्म की जो अनबैलेंस होती है उसकी रोक के लिए, उसको ये सही करे उसके लिए ये पाउडर जो बना है, ये आँखों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब आप लोगों में से कई कहेंगे कि हमने तो कई दिन तक लिया था, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कई लोग इसे ले भी चुके हैं, मेरा कोई नया नुस्खा नहीं है ये, हकीम बैग भी यही नुस्खा देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी, हमारी दादी भी हमें बचपन में कई बार ऐसे दिया कर दी थी सर्दी के दिनों में। सर्दी के दिनों में ये देने से कहते हैं कि जब हम रात भर सोते हैं 12-13 घंटा तक जब हम सो जाते हैं, आँखों में कुछ खाना पीना तो होता नहीं है, आँखों को रेस्ट ही रेस्ट मिलता है, उसके बाद ये अपना काम करता है, वर्क करता है दूध के साथ, ये जो हम लेते हैं ना ये पूरी रात मिल करके हमारी आँखों को रोशनी को सही करता है, जो भी हमारे खून में खराबी है वो सही करता है। ध्यान रखने वाली बात जो थी मैंने आपको सारी बातें बता दी है। इससे चश्मा कितने दिन लेना है, 40 दिन तक आपको लेना है, इससे चश्मा के नंबर घट जाएगा, धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने लिया और तुरंत 10 दिन में कम हो जाएगा, ये मैं गलत बात आपको नहीं बताती हूँ, जो सिंपल बात है वो कहूँगी। अगर नहीं लगा हुआ है चश्मा तो वो आँख जो है कमज़ोर भी नहीं होगी, कमज़ोर होगी तो वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। ये ज़रूरी होता है, इसके साथ बहुत जरूरी, पसंद आ रही है ना वीडियो तो एक लाइक ज़रूर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, आजकल छोटे बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, इसलिए प्लीज़ इसे अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, थैंक यू।